बिहार में चिमनी बनाने गए व्यक्ति के ऊपर सिर पर बल्ला गिरने से हुई मौत। जनपद संभल में ग्राम बैटला के रहने वाले खुर्शीद लगभग 2 माह पूर्व बिहार के आरा शहर में चिमनी बनाने का काम पर लग गए हुए थे। चिमनी बनाने का लगभग काम पूरा हो चुका था। बुधवार के दिन मृतक की डेड बॉडी उनके घर बैटला पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। परिजनों के अनुसार उन्हें बताया गया कि खुर्शीद के सिर पर भारी बल्ला गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। मृतक खुर्शीद अत्यंत गरीब व्यक्ति थे, जिस कारण वो चिमनी बनाने जैसे काम पर मजदूरी करने जाया करते थे। इनकी 5 बेटियां हैं और एक छोटा बेटा है। परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है, जिसको लेकर सोशल एक्टिविस्ट साइमा खान ने पीड़ित के घर वालों को न्याय दिलाने की मांग की है कि पीड़ित के परिवार की आर्थिक सहायता चिमनी मालिक द्वारा की जाए, जिससे उसके बच्चों को कुछ सहारा मिल सके। परिजनों का ये भी आरोप है कि उन्हें पंचनामे की रिपोर्ट फैक्स करने को कहा गया था, जो अभी तक नहीं भेजी गई है। साथ ही ठेकेदार से चिमनी के मालिक का मोबाइल नंबर मांगा गया, जिस पर उसने गोलमोल जवाब दे दिया। अब देखने वाली बात यह है कि मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता कब तक मिलती है। मेरा नाम बाबू खा। ये मृतक जो हैं, इनके आप क्या लगते हैं? इनके हम साले लगते हैं। अच्छा, इस घटना के बारे में बताइए, किस तरह से ये, क्या घटना हुई, कहाँ गए हुए थे ये? ये पटना से उल्टी तरफ 60 किलोमीटर एक शहर है आरा, वहाँ ये चिमनी बनाने गए थे। तो चिमनी बन चुकी, वहाँ से बल्ला गिरा। बल्ला गिरने के बाद इनका हादसा हुआ। हादसे के बाद वो लोग जो इन्हें ले गए, ठेकेदार वगैरह, वो इन्हें गांव ले आए, और गांव लाने के बाद में इन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। ये यहाँ से काम पर कब गए थे, कितने टाइम पहले? अब तो दो महीने एक दिन हो गया, आज 12 तारीख है। सूचना कब मिली आपको? सूचना कल दोपहर 3 बजे। किसका फोन आया था? ये जो ठेकेदार ले गए बुला गए, इनका फोन आया था। ठेकेदार का नाम बताइए। ठेकेदार का नाम जाहिद है क्या भाई? मुशाहिद। हाँ, मुशाहिद। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई इसकी? नहीं आई है साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उससे एम्बुलेंस वाले से कहा, बोले हमारे पास नहीं है, इनके पास होंगे कागज। उन्होंने हमसे ये कह दिया कि हमें कोई कागज नहीं मिला, और ये कह दी फैक्स हो जाएगी व्हाट्सएप पे। चौकी इंचार्ज से बात करी आपने? नहीं करी चौकी इंचार्ज से उन लोगों ने, इस गाँव वालों ने करण नहीं दिया हमें चौकी इंचार्ज से बात। बात करने की नहीं दी? ये कह दिया दफन करो, और यहीं कुल मिला के ये कह दी तुम्हें 1.5 लाख रुपए दिलवा देंगे, कोई पैसा नहीं मिला आया। ये किसने कहा? इसी गांव के लोगों ने कहा, और उसने उसका एक रिश्तेदार और भूरे डीलर भूल वाले मेहमतपुर का, उसने कहा कि तुम फांसी तो लगवा ना सकते, जो तुमसे हो गए वो कर लिए जाओ। क्या नाम है मैडम आपका? मैं साइमा खान, सोशल एक्टिविस्ट। आज जो ये घटना सामने आई है मैडम, ये एक्सीडेंट हुआ है एक तरह से, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या जानकारी जुटाई अब तक यहाँ? मैंने आके देखा कि यहाँ पर ना ही हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी गई है, ना यहाँ FIR दर्ज की गई है, और सरासर मुझे जैसे पता चला है कि धमकी भी दी जा रही है, और अभी तक ना कोई मुआवजा मिला है, ना ऑन पेपर कोई काम हुआ है जो कि होना चाहिए था। ये लोग बोलने के फैसला हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये लोग 6 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, इनकी कोई ज़मीन नहीं है, कोई सहारा नहीं है, और ये नुकसान ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। फिर भी मिनिमम कंपनसेशन हमें 5 लाख का मिलना चाहिए था, जो यहाँ नहीं मिला है, और ठेकेदार सामने आके बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी अपील है कि ये इस पर कार्रवाई की जाए। अभी तक आपने क्या प्रयास किए, और आगे किस तरह से इनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे आप? मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगी, तो उसकी कोई रिपोर्ट मुझे नहीं दी गई। वहाँ उन लोगों ने FIR कराई हो, वो मैंने उसकी रिपोर्ट मांगी, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी। मैंने जहाँ बिहार में जाके ये काम कर रहे थे, तो उनका ओनर का मैंने नंबर मांगा, मुझे ओनर का नंबर नहीं दिया गया। मुझे मैंने ठेकेदार से बात करने की डिमांड की, ठेकेदार ने आके मुझसे सामने बात नहीं की है, और अभी तक भी सामने नहीं आए हैं, और मैंने हर कोशिश कर दी है। अब